मलिष्का जी कहाँ जा रही हैं आप? सर मैं निकलता हूँ। आप लोग अंदर चलिए। भाभी मॉम रूम में ही है ना? हाँ वो बहुत परेशान हो रही थी, यहाँ सब कुछ जो हो रहा था वो सुनकर उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। हम नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहे, यहाँ रहती तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती, इसलिए उनके कमरे में छोड़ा है उन्हें। वहाँ पर ओम मंत्र धीमे स्वर में लगा दिया, उससे उन्हें आराम मिलेगा। भाभी ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने, वैसे भी ये जो स्ट्रेस है ना मॉम के लिए हैंडल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और आप तो जानती हैं कि उन्हें पारो से ना एक स्पेशल अटैचमेंट है, बहुत ही जुड़ाव है उनका, तो इस वक्त तो वो बहुत ही स्ट्रेस में है। ये सब कुछ उस लक्ष्मी की वजह से हो रहा है दी, अगर सच में पता चल गया ना कि सबके पीछे उस लक्ष्मी का हाथ है, उसे माफ नहीं करेंगे, उसे इस घर में रहने ही नहीं देंगे। ये तो हमने खुद ही तय कर लिया है आंचल, अगर ये सब कुछ सच हुआ तो उसे हम खुद इस घर से बाहर निकालेंगे, घर का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही करना भाभी, बिकॉज आई एम वेरी श्योर ये जो कुछ भी किया ना उस लक्ष्मी ने किया है। हाँ हमें तो यकीन है कि इस लेवल का काम वो लक्ष्मी ही कर सकती है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत करेगी ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, आई स्वेयर। करने तो उसे जो करना चाहती है, गिरने तो जिस लेवल तक वो गिरना चाहती है, पर हमारे साथ नहीं, हमारे घर हमारे परिवार के साथ नहीं। अब वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी, बस एक बार कंफर्म हो जाए कि ये सब कुछ लक्ष्मी ने ही किया है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। पारो और लक्ष्मी के साथ आपका रिश्ता कैसा है? मतलब इंस्पेक्टर आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मलिष्का ने पारो का किडनैप किया? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मॉम प्लीज प्लीज आप शांत रहिए, आप बैठिए यहाँ पे, बैठिए आप बैठो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मॉम प्लीज। लेकिन ये सब बोल भी कैसे सकते हैं? आपकी तबीयत खराब है ना मॉम प्लीज, आपका बीपी शूट अप हो जाएगा, आप कैसे बात कर रहे हो, आप हार्ट पेशेंट हो। देख रहे हैं आप सर ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपकी गलती की वजह से, ये सब कुछ नहीं सहन कर पा रही हूँ, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं मॉम प्लीज, इंडियन की तबीयत बहुत खराब है, बहुत वो सब आपकी वजह से हुआ है ये सब। मासूम बच्ची किडनैप हुई है, उसकी जिंदगी का सवाल है, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। और यहाँ मेरी मॉम की लाइफ का सवाल है। हाँ तो ठीक है, तो आप जितने जल्दी जवाब देंगी हम उतने जल्दी काम खत्म करेंगे। हर एक सवाल का जवाब दूंगी, अभी आप प्लीज हमें बाहर जाने दीजिए, मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज समझिए ना, अगर इन्हें कुछ भी हो गया ना तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप प्लीज इन्हें बाहर जाने दीजिए, बस प्लीज प्लीज देखिए इनकी हालत कितनी खराब हो रही है मॉम प्लीज। मलिष्का जी ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाना मलिष्का, और ये आप इतना झूठा और इतना बड़ा इल्जाम मेरी बेटी पर। मॉम प्लीज 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 रिलैक्स मॉम प्लीज ब्रीथ इन ब्रीथ आउट प्लीज प्लीज सर प्लीज हमें बाहर जाने दीजिए, मैं यहीं पे हूं, मैं वापस आ जाऊंगी, आप प्लीज जाने दीजिए हमें प्लीज। ठीक है चलिए मॉम, जाइए आप लोग। थैंक यू, चलिए एक